हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डोमेन कॉन्सेप्ट से, राइट? सो हियर वी हैव द प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस का सम दे रखा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एफ़ मान लेते हैं और इस फंक्शन को जी मान लेते हैं, ठीक? तो फंक्शन एच ऑफ एक्स बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट? तो इन दोनों फंक्शंस का जो सम है उसको हम एक नया फंक्शन एच मान लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब देखिए, डोमेन ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब यह है कि जो एक्स है, एक्स कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज़ को ले सकता है, राइट? वैलिड वैल्यूज़ का मतलब यह है कि एक्स की कौन कौन सी परमिसेबल वैल्यूज़ हैं, या फंक्शन जो है एक्स की किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस का सम दे रखा है और हमें इस इन दोनों फंक्शंस का जो सम है, जो कंबाइंड डोमेन है, वो निकालनी है। तो जब हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शंस का सम होता है, तो तब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसकी डोमेन निकालते हैं पहले, ठीक है? तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की डोमेन निकालेंगे। मान लेते हैं ये फंक्शन की डोमेन है डी एफ। फिर हम सेकेंड फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, राइट? तो इस फंक्शन की डोमेन हमने डी जी मान ली, राइट? तो यहाँ पर पहले हम इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू की डोमेन निकालेंगे जो कि डी एफ है। फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन निकालेंगे जो कि डी जी है। अब हमें इन दोनों का जो सम दे रखा है उस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, मतलब कंबाइंड डोमेन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस डोमेन और इस डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, राइट? तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब इसकी डोमेन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस टू है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर हमें इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल जाएंगे। तो रियल नंबर्स के लिए एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू हो गया, राइट? तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके लिए एक्स की वो वैल्यूज़ ही डिफाइंड हैं जिसके लिए एक्स जो है या तो माइनस टू के बराबर है या माइनस टू से ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, और मान लेते हैं यहाँ पर माइनस टू है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ कि शेड कर देता हूँ, मतलब हाँ, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है और यहाँ पर हम एक डार्क सर्कल बना लेते हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो माइनस टू होगी या एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी होगी। तो ये जो रेड पोर्शन है, ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो एफ एक्स के डोमेन में आएंगी, राइट? फंक्शन है तो इसका मतलब फोर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, राइट? तो अब ये एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू फोर, राइट? और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू टू का स्क्वायर, राइट? तो अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई। तो इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में होती है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू टू स्क्वायर का मतलब है एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन
और इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन और इक्वल टू टू हो जाएगा, राइट। तो ये डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स शुड लाई इन द इंटरवल माइनस टू टू टू, राइट। और जो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू था, अगर इसे भी हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस टू टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर से ये क्लोज्ड होगा क्योंकि माइनस टू भी इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पर ओपन रहेगा, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ये भी क्लोज्ड रहेगा, ये भी क्लोज्ड रहेगा, माइनस टू टू टू, राइट। तो चलिए अब हम ये जो डोमेन है इस फंक्शन की, इसे भी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर माइनस टू है और यहाँ पर टू है, राइट। ओके, तो अब एक्स जो है वो माइनस टू और टू के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग माइनस टू एंड टू। तो हम यहाँ पर एक डार्क सर्कल कर लेते हैं, यहाँ पर भी डार्क सर्कल कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रेड लाइन, ये जो शेड कर दिया है पोर्शन, इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो माइनस टू और टू के बीच में है, और यहाँ पर जो हमने ये रेड लाइन बनाई थी, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो माइनस टू और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंक्लूडिंग माइनस टू। अब हमारे पास ये दो नंबर लाइन्स आ गई, यानी कि ये वन है मान लेते हैं, ये टू है, ठीक। तो अब हमें निकालना है इन दोनों फंक्शंस के एडिशन का डोमेन, ठीक है, क्योंकि सम है ये, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर लाइन को और इस नंबर लाइन दोनों को देखेंगे, और इन दोनों नंबर लाइंस में से हम जो कॉमन पोर्शन है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दो सेट्स होते हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेट है वो रियल नंबर लाइंस में है सेट हमारे पास, यानी कि यहाँ पर जो पोर्शन है और यहाँ पर जो पोर्शन है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा इन दोनों सम के जो एडिशन का डोमेन होगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस टू से टू तक केवल वही वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पर माइनस टू से इन्फिनिटी तक है, राइट। तो यहाँ पर माइनस टू है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर हमारे पास टू आएगा, राइट। यहाँ पर प्लस टू होगा, ये भी प्लस टू है, और माइनस टू से प्लस टू तक ये वाला पोर्शन देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है। अब इस वाले फंक्शन के लिए प्लस टू से इन्फिनिटी तक की भी वैल्यूज़ ले सकते हैं हम, लेकिन वो वैल्यूज़ यहाँ नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर वो वैल्यूज़ नहीं आ सकती, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो माइनस टू से टू तक है। तो इसका मतलब हम इस पोर्शन को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और केवल माइनस टू से टू तक का पोर्शन ले लेंगे। तो डी एफ इंटरसेक्शन जो डी जी हो जाएगा वो आपका आ जाएगा माइनस टू से टू तक, मतलब यही कॉमन पोर्शन होगा। तो इसका मतलब इन दोनों फंक्शंस का जो एडिशन का डोमेन है वो माइनस टू से टू तक होगा। सो व्यूअर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन एच ऑफ एक्स है जो कि एफ और जी का सम है, इसका डोमेन जो हो जाएगा डोमेन ऑफ एच, राइट, डोमेन ऑफ एच इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड जी, एंड डी एफ इंटरसेक्शन डी जी जो है वो माइनस टू से टू हो जाएगा, राइट। तो एच ऑफ एक्स जो होगा उसका डोमेन माइनस टू से टू होगा। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्स की वही वैल्यूज इस फंक्शन को डिफाइन करेंगी जो कि माइनस टू और टू के बीच में लाई करेंगी, इंक्लूडिंग माइनस टू एंड टू।